नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर, आप कोई आचार्य लोगों को लेके आना चाहते हैं ना सर? हाँ वैद्य जी, मैं एक हमारे साथ में आयुर्वेद के बड़े मनीषी हैं, प्रोफेसर हरि शंकर शर्मा सर, 94 ईयर्स एज के हैं और सर जो है वो जामनगर में और NIA में डायरेक्टर रह चुके हैं और जापान में सर का बहुत बड़ा काम है। तो मैं सर को आपके साथ में जोड़ रहा हूँ, तो आप सबको ब्लेसिंग्स देंगे। मैं सर को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। है सर, ये मैंने आपको हाँ भाई, 2 सेकंड लगे चाहे 2 घंटे लगे, मेरे को तो आप जैसे भी सिखा सको। हाँ मैडम को 10 मिनट का मैडम का लेक्चर रहेगा। मैं सर को जोड़ रहा हूँ, मेरे को समझाओगे जब होगा भाई? जी, कल मिलते हैं जी। और आप मेरे को जितना जल्दी पकड़ सको पकड़ लो। जी सर, जी। ओके, धन्यवाद तिवारी जी, जय सियाराम। सर ये क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा हमारी जो है वो वैद्यों द्वारा वैद्यों के लिए आयोजित होती है। ये पूरे भारत के वैद्य जुड़े हुए हैं सर, इसको वैद्य अरविंद पाठक जी संचालित करते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छी दिन है कि हम आपको सर, आपका शुभ आशीर्वाद हम इन सभी सेशंस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्राप्त होगा। सर की ब्लेसिंग। सर का परिचय मैं दूं, सर 94 इयर्स के हैं और सर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में से लेकर के NIA तक में डायरेक्टर के पोस्ट पे रह चुके हैं। सर जो है आज यहाँ पे आए हुए हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर, आवाज आ रही है सर। तो ये सर, अब सर जापान में भी हैं और जापान और भारत के बीच में सर आयुर्वेद को एक सेतु के रूप में बांधने का काम कर रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था सर, उस सेशन के चेयरपर्सन थे सर, मैं आपको लाइव किया हुआ है सर मैंने। लेकिन जिनसे लाइव किया है उनके दर्शन तो मेरे को नहीं हो रहे। अभी मैं कराता हूँ सर, मैं दर्शन कैमरा इधर मोड़ देता हूँ जी। आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं सर, आप सभी को देखना चाहते हैं आप चाहे तो आप सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। 11 लोग जुड़े हुए हैं सर यहाँ पे। ये वैद्य अरविंद पाठक, आरती शर्मा जी, मंगला महोत जी, अंजू जी, अर्चना गंदानी जी, दिनेश चंद्र जी, मधुरी गोले जी और यहाँ पे जुड़े हुए हैं शशि तिवारी जी, सीमत जी, विकास कुमार जी और शैलेंद्र कप्तान जी। ये सब
आप सबके दर्शन करके और आपके आयोजक महोदय का आज जो आयुर्वेद चिकित्सा का चमत्कार मैंने जी सर मैं तो दिख रहा हूँ दोनों जी 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 पंकज जी खुद नहीं है ना जी बोलिए सर बोलते जाइए सर नहीं उनके दर्शन भी तो होने चाहिए अभी करेंगे सर जी तो मेरे अकेले के दर्शन तो हो गए जो कहना था मैंने कह दिया अब आपके दर्शन हो जाए तो और बात जो आगे आप पूछोगे जवाब दे दूंगा कुछ आपके मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड सर ये जापान में भी मतलब आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या हाँ बोलिए आप अपना परिचय दीजिए सर को सर मैं डॉक्टर आप मुझे शायद देख पा रहे हैं सर प्रणाम सर सर आप मुझे सुन पा रहे हैं मोबाइल पे है ना सर मैं बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा हूँ वो मेरे बाल छोटे एक मिनट आपको आप अपना कैमरा ऑन कीजिए डॉक्टर साहब मैं ऑन किया हूँ सर एक मिनट मेरे बाल छोटे छोटे हैं इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रहा था बहुत दिन से अच्छा अच्छा अरविंद पाठक जी जी सर कैमरा आपका आप स्पॉटलाइट कीजिए तो किसको खुद को खुद को हाँ हाँ ये सर वैद्य अरविंद पाठक है महाराष्ट्र से सर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है आवाज क्लियर नहीं आ रहा जोगलेकर सर को जानते हैं आप जोगलेकर सर को हाँ सर जानते हैं वो अगतंत्र के हैं ना सर जानते हैं सर योगिनी मुले हाँ उनको भी जानता हूँ ओटी लगा आयुर्वेद कॉलेज में एमडी वो टीचर है योगिनी मैम वो हमारा एग्जाम लेने आई थी द्रव्य गुण का आप लोग कुछ पूछ रहे थे सर से अर्शिया मैम आप क्या पूछ रही थी अर्शिया मैम पूछ रही थी अर्शिया जी बोलिए हाँ सर मैं डॉक्टर अर्शिया सर मैं पूछ रही थी कि जापान में भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस होती है क्या वहाँ पे कर सकते हैं जापान में भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस होती है क्या पूछ रही है होती है अच्छा। और मॉडर्न डॉक्टर आयुर्वेद का इलाज करते हैं अच्छा और तो कल वेबिनार होगा यहाँ से उसको आप भी ज्वाइन लिंक कर सकते हो ज्वाइन कर सकते हो जी जी सर हम जरूर ज्वाइन करेंगे जी सर कल शायद 4 बजे है ना कल ठीक है जी थैंक यू सर आज तो इन्होंने चमत्कार कर दिया आयुर्वेद की चिकित्सा का चमत्कार अच्छा हाँ हमारे सेशन के अंदर हजारों लोगों ने देखा अच्छा। और तालियां बजाई इंदौर के अंदर चमत्कार हो गया अच्छा सर बहुत तुरंत इलाज कर देते अपनी मरम चिकित्सा वगैरह से शोल्डर का सर फ्रोजन शोल्डर का दिखाएंगे अच्छा। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा खुद तो नहीं है नहीं आप अपना कैमरा ऑन कर सकते सर कह रहे हैं कि आप खुद दिख नहीं रहे हैं आप खुद क्यों छुप गए कहाँ छुप गए प्रभु ये देखिए सर आगे हाँ अब ठीक है ये तो और कोई आ गया नहीं अर्शिया जी हैं सर ये अर्शिया कहाँ से अर्शिया जी आप आशीष जी आप कहाँ से इनको परिचय दीजिए सर को सर मैं मुंबई से हूँ अभी मुंबई से हाँ जी सर मुंबई के पोदार कॉलेज के अंदर जी सर मैं पोदार कॉलेज से पढ़ी हूँ मुंबई महाराष्ट्र के डायरेक्टर मेरे स्टूडेंट हैं अच्छा अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं सर के आयुर्वेद अच्छा अच्छा मैं भी पोदार कॉलेज से पढ़ी हूँ जी पोदार कॉलेज से पढ़ी है सर हाँ अच्छा अच्छा उधर कॉलेज में जी सर डायरेक्टर आयुर्वेद था मर गया उसका बेटा भी पढ़ता था मैं अच्छा, सर के बारे में आपको बताऊंगा कि देखिए सर कि ये 94 इयर्स है 94 इयर्स हम लोग सर 94 सेहत का राज सर इनके 94 सेहत का राज पूछ रहे सर क्या रसायन लेते हैं
आयुर्वेद उपदेश परमात्मा यस सर यस सर आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है बेटे जी सर आयुर्वेद से ही मेरे जीवन में स्वस्थ व्रत का जो पालन करना चाहिए ना वो करता हूँ बुद्धि तो स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा और फिर नित्यम व्यायाम नित्यम अभ्यंग अभ्यंगम आचरे नित्यम स जरा श्रम वातहा जो आयुर्वेद ने मेरे को सिखाया मैं वही पालन करता हूँ खाली खाली बोलने के लिए नहीं करने के लिए और आज तो इन्होंने चमत्कार करके दिखला दिया तो मैं मंत्र मुग्ध हो गया अच्छा मेरे काम से दोस्ती कर लो अच्छा सर हमें बताइए थोड़ा चमत्कार के बारे में सर के आज एक फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट से जो लाइव मैंने बुलाया वो चिकित्सक थे 6 साल से उनका हाथ ऊपर नहीं जा रहा था आयुर्वेद कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं एक ही सिटिंग में उनका क्षिप्र बाकी सर बताएंगे क्षिप्र कूप नाड़ी और भी अंश मैंने किया और उनका हाथ ऊपर गया ये 1000 लोगों ने सर के उपस्थिति में ये चमत्कार होते हुए देखा यानी कि हम आयुर्वेद से कितना इंस्टेंट रिजल्ट्स दे सकते हैं ये उसके उसका उदाहरण है और दूसरा उदाहरण मैं क्यों इनके आपके बीच में लाया हूँ क्योंकि 94 इयर्स में सर इतने एक्टिव हैं आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सुबह से सर को मैं देख रहा हूँ कल रात हम लोग इतने एक्टिव नहीं है सर इतने एक्टिव है कि अमेजिंग एनर्जी है इनके अंदर अमेजिंग आप देखिए सर के चेहरे पे जो आप तेज देख रहे हैं बहुत अच्छा तेज है ये आप सबको देखना चाहिए हम लोग जो है थक जाते हैं हम लोग अभी कहते हैं अरे हम क्या करेंगे 94 इयर्स की एज में सर 8 बजे से बैठा हूँ 8 बजे से बैठे हैं सर हम थक गए और इतना काम करते हैं सर जापान भारत हर जगह 12 घंटे हो गए बैठे 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 और बातें करते करते आँख को झपकने का काम नहीं है रखनी पड़ती है बहुत बहुत अच्छा सर हम हमारे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है नई पीढ़ी को जो आयुर्वेद के वैद्य हैं तो कुछ आप सर थोड़ा सा बता दें कभी मिलन हो जाए संगम हो जाए तो कभी सर को सेशन में लेके आएंगे और हम किसी टॉपिक पे सर से बात करेंगे और मेरी वाइफ से भी बात करो और जापान की सर की पत्नी है वो भी आयुर्वेद की बहुत बड़ी वो है एमडी आयुर्वेद है गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से गुजरात यूनिवर्सिटी से अच्छा अच्छा बहुत अच्छा जापान में उसने आयुर्वेद पैदा किया है अरे वाह जापान में आयुर्वेद जननी है वाह योगिनी जानती है अच्छी तरह से अच्छा अच्छा तो चलिए आज के लिए इतना ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर के साथ ब्लेसिंग्स ली और हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम सर को और सर की मैडम को एक साथ एक सेशन में आपके लेके आएंगे वैद्य अरविंद पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सेशन कंटिन्यू कीजिए सर थैंक यू सर ठीक है और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज शांत मत बैठिए प्लीज बोलते रहिए मैं एक दो लोगों को यहाँ पे को-होस्ट बना देता हूँ डॉक्टर शशि मैम कैसे हैं मैम हाँ जी सर गुड इवनिंग सर आपका तबीयत ठीक नहीं है क्या हाँ सर थोड़ा प्रॉब्लम है क्या क्या बुखार है हाँ हल्का सा फेवरिश है बॉडी अच्छा ठीक है तो आप लंघन करिए थोड़ा रेस्ट करिए जी सर थैंक यू सर वहाँ क्या बारिश हो रही है नहीं सर यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है यहाँ वेदर हमेशा रहता है लगता है जैसे बारिश हो जाएगी बट है नहीं ठीक है ये रमेश ये वीडियो ऑन किया कुछ बोलना चाहते हैं रमेश जी डॉक्टर रमेश जी आपने वीडियो ऑन किया है मैंने स्पॉटलाइट कर दिया डॉक्टर रमेश सर रमेश जी नहीं मैम मेरा तो वीडियो ऑफ है मैम ठीक है मैंने ऑफ कर दिया
कोई बात नहीं, और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? कमल मैम आपको एक सक्सेस स्टोरीज बताइए। कमल मैम सुन पा रही हैं? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ओपीडी में हैं आप? बोलिए ना। कैसी हैं? नहीं सर, अभी ओपीडी में नहीं। ओपीडी में तो अभी तो पीसीओडी का केसेस चल रहे हैं सर, एक पेशेंट का पीसीओडी का। हेलो, पीसीओडी में क्या हेलो सर, पेशेंट का प्रकृति वाइज तीन पीसीओडी या अपना जो रहता है ओबेस पीसीओडी जो रहता है संतर फ्रुक्त अपतर फ्रुक्त, उसके साइज से उसका ट्रीटमेंट चेंज होता है। मेरे पास अभी जो लड़की आई थी वो 27 इयर्स की थी पीसीओडी करके, लेकिन सर उसका पहले मेरे पास आई थी इरेगुलर साइकिल है और हिर्सुटिज्म करके आई थी मेरे पास, तो पूरा उसका यूएचजी स्कैन किया तो उसमें क्या आया था कि राइट लेफ्ट ओवरी में 3 सेंटीमीटर की सिस्ट है और ओवेरियन स्ट्रोमा जो रहता है वो थिक और मल्टीपल फॉलिकल्स ऐसे स्मॉल फॉलिकल्स ऐसे आया था और पेरी पीसीओएस ऐसे आया था और फैटी लिवर चेंजेस आए थे। तो पेशेंट को मैंने अभी 3 मंथ हुए उसको जो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की है उसमें सर पेशेंट की ग्रहणी दृष्टि स्टार्टिंग में देखी थी फैटी लिवर चेंजेस होने के कारण, ग्रहणी पे दीपन पाचन ऐसे किया था, दीपन पाचन में सर दाढ़ी मस्तक और अपना महाधिक तक रो दिया था और रसपाचक रक्तपाचक भी दिया था मैंने, चंद्रप्रभा और कुबेराक्ष जो थी वो मैंने अपन काल में दी थी और कैस्ट्रॉइल नाभिपूरण के लिए और रात को लेने को बोला था और उसके बाद पेशेंट को खाने के बाद तापेदी लोह और लोकमान्य वसन भी चालू किया था क्योंकि थोड़ा सा थिन पीसीओएस थी इसीलिए, और 15 दिन के बाद थोड़ा सा उसका अग्नि अच्छा हो गया। उसके बाद उसका एक क्लासिकल विरेचन भी किया था और क्लासिकल विरेचन में उसके सर 12 वेग आए थे और ओमेटिंग 3 बार ओमेटिंग हुआ था उसमें ही, और क्लासिकल विरेचन में मैंने उसको अश्वपंच की अपनी जो विरेचन वटी है वो और स्नेहपान जो किया था वो गोघृत से किया था। उसके बाद सर लेकिन उसकी मेंसेज जो थी ना 2 मंथ तक तो नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद 2 मंथ के बाद मैंने अभी इसका जो देखा तो उसका साइकिल नहीं आया, लेकिन सर वेट भी पहले से भी पहले जो था 58 था लेकिन उससे कम हुआ है, लेकिन हिर्सुटिज्म कम हो रहा है और जो सिस्ट हमने पहले स्कैन में देखी थी 2 महीने के बाद वो स्कैन में वो सिस्ट नहीं थी और जो थिक ओवेरियन स्ट्रोमा था वो भी नहीं था सर, क्योंकि एक मेंसेस उसकी आकर गई थी लेकिन उसके बाद जो मेंसेस नहीं आई है 1.5 मंथ करके। तो अभी मैंने उसका सर योग बस्ती प्लान किया हुआ है, लेकिन अभी तक तो सर जो उसकी सिस्ट थी वो कम हो गई, हिर्सुटिज्म थोड़ा सा कम हुआ है, वेट रिडक्शन भी कम हुआ है और बाकी पेशेंट पहले से भी बोलता है कि भूख लगती है वगैरह और मात्रा बस्ती उसको सहचर तेल 10 मुठ और अपनी भूनिम्बादी काढ़ा का चल रहा है सर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छे से बताया आपने। तो जब विरेचन विरेचन रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ देती हैं क्या सर? विरेचन रोकने के लिए नहीं, विरेचन के बाद कैसे रहता है पेशेंट को लघुता जब आती है ना तो पेशेंट को फोन करने को मेरे को बोलती हूँ, तो उसके बाद मैं उसको अपना जो कोष्ण जल और उसमें सिर्फ नींबू निचोड़ के पीने को बोलती हूँ उस और वो पच जाए उसके बाद ही हम मूंग दाल का यूश या अपना जो चावल का पानी रहते हैं ना या लाजामंड का पानी वही लेना। उस दिन तो मैं कुछ नहीं पेशेंट को देती और दिवासवाप वर्ष फलाहार वर्ष बस्ती वर्ष सब कुछ वर्ष उस टाइम। और हाँ सर, संसर्जन क्रम जितना अच्छा पेशेंट पालन करे ना उतना अच्छा दिक्कत आता है, उतना अच्छा इफेक्ट उसके स्किन पर भी दिखता है और उसके टोटल साइकिल पे फिर और पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ सर सर लेकिन विरेचन के बाद कभी कभार पेशेंट को ना एक पेशेंट को मेरे ऐसे था कि स्पॉटिंग चालू हुआ था तो उसका क्या बस्ती के बाद अपान क्षेत्र पे काम होता है ना ये हो जाता है। आपका बात सही है।
हाँ तो स्पॉटिंग मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि पित्त आधिक्य था, इसलिए मैंने विरेचन दिया। और सर एक मैंने वीडियो यूट्यूब पे सुना था, उसमें कहा था कि जब पेशेंट बहुत स्रोतरोजन्य हो तो अपना दीपन पाचन होने के बाद हम विरेचन करें और बाद में शमन चिकित्सा दे। विरेचन मानो कौन सा भी शोधन कर्म करे और उसके बाद। हाँ तो सर पेशेंट को कैसे माने कि यही पेशेंट शोधनोक्त है? और कभी कभार सर सूत्र स्थान में एक चैप्टर में बोला है ना कि बहु दोष अवस्था जब रहती है। आपके पास जो भी क्रॉनिक पेशेंट है एज बल ये भी ध्यान में रखना चाहिए, देश काल। हाँ वो क्रुश पेशेंट है क्या, बलवान है कि नहीं, वो सब देखना चाहिए, प्रकृति देखना चाहिए, टाइम देखना चाहिए और पेशेंट का प्रोफेशन देखना चाहिए। अगर पेशेंट मतलब ऐसे आर्मी में है या कोई ऐसे जगह पे जो वॉशरूम नहीं है और हमने लूज मोशन दे दिया तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि वेग धारण करना ये अच्छी बात नहीं विरेचन में, क्योंकि ये बहुत पेंट में हो जाएगा। और पेशेंट को कैसे रहता है सर, हम गोघृत का स्नेहपान देते हैं ना, सम्यक स्मित के जब लक्षण दिखते हैं ना तभी भी उनको मोशन के लिए आते हैं सर, चार पांच बार वो मोशन के लिए, और स्निग्ध मोशन वो बोलते हैं कि पिछल पिछल ऐसी मल प्रवृत्ति हो रही है। तो सर उसके कितने दिन तक, उसके बाद कितने दिन स्नेहपान चालू रखे और अपना पूर्व कर्म करके फिर विरेचन योग दे? कितने दिन करना है तो ग्रंथों में है ना, 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऑप्शन है ना? नहीं सर, लेकिन स्नेहपान स्नेह स्निग्ध लक्षण सम्यक स्नेह स्नेह के जो लक्षण है ना वो नहीं दिखते पेशेंट को, 3 दिन दो या 5 दिन दो, लेकिन उनका मोशन के लिए वो कैसे अग्रहणी जैसे तो 7 दिन दे ना और मात्रा बढ़ाइए स्नेहन का। मैं उनको लास्ट में जो लिखा हुआ है ग्रंथों में श्लोक है उसमें लिखा है कि उसको वॉमिट जैसी सेंसेशन, मतलब घी को देखते स्नेह द्वेष ऐसे द्वेष। हाँ मुझे क्या पूछना है, जब 6th या 7th डे होता है ना उसको पेशेंट को स्नेह से द्वेष होने लगता है उसको, मतलब देख के भी ऐसा फीलिंग आता है कि उल्टी, बस सब बंद कर देना चाहिए। उस टाइम पे मैम क्या रहता है पेशेंट को, सम्यक स्निग्ध या नौशा वोमिटिंग रहता है उस टाइम पे? पेशेंट स्नेह से जी मचलाता है, वो बोलता है खाने का मन भी नहीं कर रहा ये बोलता है पेशेंट, लेकिन मैम उस टाइम पे उसको 2-3 बार मोशन भी होते हैं। और जब हम विरेचन योग दे उसमें हमको लगता है कि उसको 11-12 इतने वेग आने चाहिए, तो वो 8-9-10 पर ही अटके रहते हैं, तो उसको हम हीन योग माने या सम्यक योग माने? नहीं, अगर ना वो मल में अगर अच्छे से स्नेह आ रहा है हाँ और उसमें भी हो रहे और स्नेह द्वेष भी हो रहे तभी मल में आना चाहिए स्नेह, तब सम्यक। हाँ। मैम उसमें 5 लक्षण ये सब लक्षण दिखते हैं उसमें, जैसे जैसे पेशेंट में लक्षण आते हैं उसको टिक करते हैं, लास्ट लक्षण यही रहता है कि उसको स्नेह से द्वेष होता है। जब आप जैसे मोशन का बता रहे हैं नॉर्मली ये 5th डे पे होता है मोशन का, हाँ 5th डे पे जब उसको मोशन हाँ। आता है तो हमने तब भी पेशेंट को डोज देना है, नेक्स्ट डे भी देना है, उस तक भी उसको स्नेह से द्वेष नहीं होता। स्नेह से द्वेष का अर्थ है कि स्नेह के बारे में सोचते ही उसको एक वॉमिट सेंसेशन होना, तो ये चीज होती प्रैक्टिकली मैंने देखा है वो 7th डे पे होती है, मतलब 7th डे पे पेशेंट को जो भूख भी लगती है, जैसे उसका जैसे सपोज उसकी मात्रा 180 या 210 ml हो गया, तो उस समय उसको भूख भी जो लगती वो दोपहर के 3:30-4 बजे से पहले नहीं लगती, और उसके बाद भी उसमें 1 दिन का गैप देना लिखा है शास्त्र में, मतलब 9th डे पर हमें विरेचन कराना और जो वमन है वो 10th डे पे है। वही पूछना था क्योंकि 5th मैं तो 6th डे तक देती हूँ पेशेंट को स्नेहपान, लेकिन 6th डे में उसका नौशिया वोमिटिंग रहता है, फिर उसके बाद में स्नेहन देती हूँ और विरेचन योग में 9th डे इसको देती हूँ, तो यही पूछना था मेरे। जब 7th डे होता है नॉर्मली पेशेंट को 7th डे पे स्नेह का मतलब विचार भी, जब उसको वॉमिट लाए सिर्फ पीना नहीं, जब विचार भी उसको हम बोलते हैं कि स्नेह द्वेष की उससे मतलब उसको सोच के भी द्वेष हो, तो वो नॉर्मली 7th डे को ही होता है, तो उस समय आप मात्रा थोड़ा जैसे कम कर सकते हैं, जैसे अगर मैं करती हूँ जैसे कोई पेशेंट बहुत मोटा है, मतलब जैसे मेरे को लगता है कि इसका बल अच्छा है तो मैं 30 से ही शुरू करती हूँ, ऐसे आरोहण में उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको 30-60-90 ऐसे करते जाते हैं, तो पेशेंट के लक्षण भी नोट करते जाते हो। जैसे मोस्टली 5th डे पे पेशेंट ऐसे बोलता है कि मेरे को उसके फेस पे भी जैसे ऐसा ऑयली ऑयली लगने लगता है, स्किन पे भी लगने लगता है, हाँ
तो इसमें एक लक्षण ये मतलब संस्कृत में लिखा है, श्लोक है उसमें लिखा है कि जो मल है, मल भी स्निग्ध होता है उसका, जो वो बोलता है सॉफ्ट स्टूल आया, तो उसके बाद भी हमने देना है अंटी रनलेस उसको, मतलब हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि उसको इतना द्वेष हो जाए कि उसकी वो बोले हमें फोन करके कि नहीं मेरी बस है नहीं, मेरा मेरा खुद का मैम ऐसा ओमन विरेचन हुआ था कि फिफ्थ डे में इतना नौशिया हो गया कि मैं घी घी को देखी तो भी मुझे दो ओमिट हो गई थी, तो फिर तो बस उस समय बंद कर देना चाहिए। हाँ बंद किया था लेकिन एक दिन में गैप करके उसके बाद मैंने विरेचन योग लिया तो मैम नॉन स्टॉप 9 वेग हो गए मानो कि नॉन स्टॉप ऐसे, और उसके बाद मेरे को थकान नहीं थी मैम, लेकिन संसर्जन क्रम के बाद मैम मेरे को कफ का उत्क्लेश होने था। नहीं नहीं मैम, उसका क्या रीजन है कि जैसे हम इसमें क्या लेते हैं, हम 7, 5 और 3 जो हमारा उत्तम मध्यम और अवर है, तो ये जो संसर्जन क्रम भी रहता है ये भी उन्हीं के अनुसार इसमें वेग पूरा मेंशन है चरक संहिता में भी, कि अगर किसी ने 7 डेज तक स्नेहन किया है मतलब उसका स्नेहन अच्छे से हो गया, मतलब अराउंड 1 किलो घी हो जाता है पेशेंट का, तो हमारा जो विरेचन जब हुआ तो उसको 20 से ऊपर वेग आता है, मतलब जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं पेशेंट को 20 से ऊपर वेग आता है अगर जिसका भी 7 डेज हुआ होता है, जिसका मोस्टली 5 डेज हुआ था, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें पता लगता है जिसका 5 डेज होता है उसका 20 से नीचे नीचे मतलब 15 से 20 के बीच में आता है, और जिसका बिल्कुल ही 3 दिन हुआ है उसको मतलब 5 या 6 मोशन में ही पेशेंट रुक जाता है। तो आपके केस में जैसे आपने 5 दिन घी लिया पर जो वेग है आपको नहीं आया, अगर मतलब 10 या 12 13 इतना रहता मतलब वेग खुद नहीं बंद करना चाहिए, 9 में ही रुका मैम, और उसके बाद संसर्जन क्रम के बाद मुझे सुबह एलर्जेंस ऐसे अपना जो कफ का उत्क्लेश हुआ ऐसे बोला था, तो सर ने मुझे सद्योमन बोला था उस टाइम पे, तो मैंने फिर से मृदु विरेचन भी लिया था कैस्टर ऑयल से मैंने, क्योंकि जो कुछ आपने उसको रोका तो नहीं, विरेचन को खुद से तो नहीं रोका? नहीं 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 रोका मैम मैंने। तो अगर 10 से कम है तो संसर्जन क्रम सिर्फ 3 दिन का बना और लो एक एक अनकाल का बना, तो हाँ, वैसे ही फॉलो किया था? हाँ वैसे ही फॉलो किया था, लेकिन मैंने 5 डेज तक फॉलो किया था मैम, और मुझे नौशिया इतना फील हुआ था, मैंने सर को बोला था कि वमन मुझे ऐसे नौशिया सुबह होता था मैम, तो मैंने सिर्फ कैस्टर ऑयल उसके बाद 3 दिन मैंने रात को चालू किया तो फिर कम हुआ मेरे का, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि नौशिया मेरे सम्यक स्निग्ध के लक्षण दिखते थे, वेग इतने कम क्यों आए ये मुझे समझ में, और कफ का उत्क्लेश क्यों हुआ, क्यों कफान तक विरेचन होना चाहिए। आपने क्या लिया था विरेचन द्रव्य, क्या लिया था आपने? सर आपकी विरेचन वटी ली थी मैंने। हाँ तो कोई बात नहीं ना, आपका जितना वो बॉडी जितना निकालते थे उतना ही निकालेगी ना, जबरदस्ती बोलेंगे कि मेरे को इतना वेग आया तो नहीं तो आए, यही पूछना था सर। मैम आपने संसर्जन क्रम कितने दिन तक लिया था उसके बाद विरेचन के बाद? 5 डेज लिया था आई थिंक, है ना, आपने 3 अंडकाल या फिर 2 दिन तक ही लिया होता ना संसर्जन क्रम, क्योंकि आपके वेग इतने आए नहीं थे जैसे प्रवर हीन और मध्यम जो शुद्धि होती है उसके अनुसार, तो अगर आपके 9 वेग ही आए थे ना तो आपको 5 डेज नहीं, 3rd डे से ही मेरे को अग्नि इतनी बड़ी हुई थी, क्या खाऊं मैं, पेट में ऐसे कोई पड़ा हुआ ऐसे इतना भूख लग रही थी मेरे को। और हाल लेकिन तभी भी आपने संसर्जन क्रम का ही पालन किया ना 5 दिन तक, तो खाती थी फिर उस... हाँ तो मैडम शायद उसकी वजह से भी ऐसा होता है ना कभी कभी कि वात का और कफ का दोनों का प्रकोप होता है, तो जैसे आप बता रहे हो कि मेरे को एलर्जी वगैरह हुआ तो ये वात और कफ दोनों की संतुष्टि के लक्षण है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है ना संसर्जन क्रम आपके अगर वेग 9 से कम आए हैं जैसे 10, 12 आती मैं बता रही है ना वैसे, तो 9 से कम आए हैं तो आपको 2 दिन मतलब 3 अन्नकाल का ही करके फिर बंद कर देना है, फिर आपको धीरे धीरे नॉर्मल आहार पे आ जाना है, नहीं तो वात दुखती होती है साथ में कफांतक वमन कफांतक विरेचन होता है तो वो भी ठीक से नहीं हुआ तो उसकी वजह से वात कफ दोनों की दुष्टि होके आपको एलर्जी हुई है ना, ये कारण हो सकता है मैम। मैम लेकिन उसके बाद मैंने कैस्टर ऑयल लिया ना रात को वातानुलोमन के लिए, एलर्जी पूरा बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। मैं वही बता रही हूँ मैं कि वात और कफ दोनों की दुष्टि हुई, अब जैसे आपने अनुलोमन ले लिया तो उसका वात का भी निवारण हो गया और कफ का भी, तो आपको शांति हो गई मतलब जो दोष हो गए वो शांत हो गए इस वजह से, या फिर आप ना मृदु कोष्ठी होंगे ना मैम, आपका कोष्ठ मृदु है इसकी वजह से आपको 3rd-5th दिन ही ये लक्षण मिल गए। पित्त प्रकृति है मैम मेरी,
और मृदु कोष्ठी हूँ मैं। अच्छा, और ग्रीतपान कौन से ग्रीत से किया था? मैंने गोग्रुत से ही लिया था मैम, लेकिन पहले तो मैंने कैस्टर ऑयल 5 ml लिया ना, तो उस दिन रात को मैं 3 बार गई थी मोशन के लिए, क्योंकि सिर्फ 5 ml कैस्टर ऑयल लेने से। तो मृदु कोष्ठी है आप है ना, नेक्स्ट टाइम जब भी विरेचन करें ना तो मोस्टली शतावरी ग्रीत वगैरह बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, स्नेपान के लिए है ना। और मैम कैसे वो वेग नहीं आए, लेकिन एनोरेक्टल रीजन पे इरिटेशन होने लगा मेरे को। हाँ, मतलब आप मृदु कोष्ठी है तो आपके अंदर दोष का उत्क्लेश भी जल्दी होता है और हाँ। दोष प्रवृत्त, मतलब जो प्रवृत्त होने चाहिए ना वो भी जल्दी से हो जाते हैं, इसलिए हाँ। आपकी इंटेंसिटी भी ज्यादा रहती है। हाँ। तो वेग भी जो भी भले ही 9 आए लेकिन वो एकदम इंटेंसली आए होंगे ना, इसलिए वहाँ पे चलन नॉनस्टॉप आए थे मैम। जी जी मैम, नहीं तो नॉर्मली क्या है, बोलते हैं ना पेशेंट कि हम एक बार गए फिर वापस 15-20 मिनट बार गए बाद में गए, ऐसा नहीं, ये धीरे धीरे होता है। मैम आपने लिया कितने बजे था, जैसे विरेचन आपने रात को लिया था या सुबह लिया था? नहीं नहीं सुबह सुबह 6 बजे। कितने बजे लिया? एक मिनट और ऑब्जर्व किया मैम, जो जैसे हम वमन का है ना, तो जो विरेचन का रहता है अगर आप पित्त के काल में लोगे ना, जैसे मैं अगर देती हूँ किसी पेशेंट को, तो मैं तकरीबन 8, 8:15 या 9:30 के बजे यहाँ के टाइमिंग सीजन के अकॉर्डिंग, तो मतलब पेशेंट को पित्त के काल में अगर आप देते हो तो उसका और अच्छे से वेग आता है और पेशेंट काफी सेटिस्फाइड रहता है। मतलब मैम आपने लिया ये सुबह लिया आपने? हाँ 6 बजे लिया था और स्टार्टिंग मेरे को 7 बजे से चालू हुआ। ये आपने एक्चुअली कफ के काल में लिया ऑलमोस्ट, तो आपके उधर का सीजन है, आप महाराष्ट्र से ना, तो आपके उधर के सीजन के मुताबिक तो कफ का काल ही रहा ना ये। हाँ 7 बजे से कफ का काल रहता है मैम, अपान काल तो 6 बजे हम दे सकते हैं ना। मैम 8 से 9 हम लोग यहाँ पे नॉर्मली ना 8 से 10 के बीच में कराते हैं विरेचन का, जो भी द्रव्य देना होता है 9, 9:15 इससे ज्यादा मतलब लेट नहीं करते हम, मतलब जो विरेचन पित्त का जो टाइमिंग रहता है उसमें हम मोस्टली कराते हैं यहाँ पे। सर ये थोड़ा डिटेल बताइए कि कब के या अपने यहाँ पे कब काल और वात काल का हम कैसे दे विरेचन योग कब दे आइडियली। मैम आपने कितनी टैबलेट ली विरेचन वाली? एक ही ली थी मैम okay. एक ली थी और हरित के चूर्ण के साथ ली थी मैंने। हरित के चूर्ण कितना लिया था? 1 चम्मच 5 ग्राम का। हाँ और आपने वो एरंडेल कब लिया था, मतलब विरेचन वाले दिन? मैम ये तीसरे मेरे को कफ का उत्क्लेश सेकेंड डे पे हुआ संसर्जन के, तो उस टाइम रात से मैंने उस टाइम पे संभाषा में मैं बोली तो रात से मैंने कैस्टर ऑयल 3 दिन लिया, तो मेरे को वो पूरा कफ का कम हो गया मैम, तो मैंने फिर नहीं लिया, लेकिन फिर से फिट फाइन हूँ उस टाइम। और रक्त मोक्षण भी उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा। विरेचन के बाद थोड़ा सा रक्त मोक्षण करना चाहिए इसीलिए मैंने किया था। अच्छा आपको एलर्जी क्या हुई थी एग्जैक्टली? एलर्जी ऐसे नहीं मैम, सुबह कैसे रनिंग नोज और छर्दी जैसे छर्दी मनो ऐसे छींक ऐसे आती थी और नॉन स्टॉप कि सिर दर्द होने लगा, भारी भारा भारी सिर ऐसे लगने लगा मेरे को, और ऐसे कभी नहीं होता था मेरे। अच्छा वही सर से थोड़ा सा डिस्कस भी आपसे भी डिस्कस किया तो मेरे थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो गए कि विरेचन और विरेचन देने में क्या दिक्कत होती है, खुद लेने पे बहुत समझ आता है। ठीक है हाँ। तो अभी आप कैसे हैं कमल मैम, आपका तबीयत ठीक है? अच्छी हूं सर। कमल मैम सुन पा रही हैं? हाँ अच्छी हूँ सर। आपको 100 साल जीने हैं कमल मैम। आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद सर। हम अभी थोड़ा डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी से बात कर लेते हैं सर। ओके सर। शर्मा जी थैंक यू मैम। शर्मा जी कहते हैं सर। प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मुझे थोड़ा सा पूछना था सर। किससे? सर एक आपसे सर पूछ रहे हैं। हाँ बताइए बताइए सर। एक 9 महीने का बच्चा है सर, उसको कफ और कोल्ड है सर, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए प्लीज। मैं उसमें थोड़ा सा मुझे पता नहीं।
तो उसमें क्या क्या देना चाहिए सर? कफ कोल्ड में, कफ एंड कोल्ड है। कितने साल का बच्चा है सर? 9 महीने का है। 9 महीने, 9 महीने का बच्चा है तो सरसों का तेल में थोड़ा सा नमक डालिए, सेंधर में डालिए, पूरा बॉडी में मसाज करवा दीजिए। जी जी ठीक है। और पॉसिबल है तो एक एक ड्रॉप नस से दे दीजिए। नस सरसों का, सरसों के तेल का, सरसों का तेल का नस से दे दीजिए, उसको छींक आएगा सब कफ निकल जाएगा। और एक ही बार में दोनों नाक में नहीं डालना है, एक बार में एक नाक में डालना है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद दूसरे नाक में डालना है। और इसके अलावा दवाई में त्रिकटु चूर्ण या शुंठी चूर्ण को शहद के साथ चटा दीजिए। ठीक है सर। और कुछ भी है? और महंगी दवाई बताओ तो बहुत सारी दवाई है, कर्कट श्रृंगी बहुत अच्छा काम करता है, और स्वास्थ्य चिंतामणि चूर्ण बहुत सारी दवाई है। सर ठीक है सर। नहीं सर ठीक है सर। एक और पेशेंट के बारे में थोड़ा सा पूछ रहा था सर। हाँ सर। सर एक एनल प्रोलैप्सिस का पेशेंट है सर, थोड़ा सा उसके बारे में मतलब हमारे पास कोई डिटेल हिस्ट्री अभी नहीं आई सर। सर अभी तक हमारे पास सर वो ये है सर, कॉन्स्टिपेशन रहता था, जोर लगाती थी, लेडीज है सर, लेडीज पेशेंट है, और जो ना जोर लगाते हैं तो वो बाहर आ जाता है, लेकिन अभी तक मेरे पास पेशेंट नहीं आया सर। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा जानना था बस, अगर पॉसिबल हो तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो आप क्या करिए मालूम है जी, उनको बस्ती दीजिए और मूषक सिद्ध तेल मिलता है उधर? मूषक सिद्ध यहाँ नहीं मिलता सर, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, तो हम उसको मार के और उसका तेल बनाते हैं, तो वो तेल मैं आपको भेज दूंगा। वो तेल का पिचू देना है, और बस्ती भी दिया तो भी चलेगा, पिचू रखा ना तो वो बहुत अच्छा काम करता है, और वो जो बाहर आ रहा है प्रोलैप्स के बाद वो अंदर डाल के और बस्ती दे दीजिए, और बाकी उसमें चांगेरी घृत इंटरनली खाने को दीजिए, और अश्वगंधा लेहम और दीपन पाचन अनुलोमन। जी सर। अभी तो हाँ कर रहा है, बस 52 हो रहा है। जी सर। क्यों किया है? जी सर। हाँ हाँ सर, दीपन पाचन अनुलोमन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है प्रोलैप्स के साथ, तो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे दीजिए, आरोग्य वर्धिनी बटी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। जी सर, जी सर, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ठीक है सर। डॉक्टर प्रभात जी कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। सर एक कैसे उनका जो अगस्त महीने में एक एंजियोग्राम हुआ था, एक 65 इयर्स का एक मेल है, डायबिटिक है, डायबिटिक हाइपर, उनका एक 80% का ब्लॉकेज है और मेडिकल मैनेजमेंट में है, तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं सर। तो ब्लॉकेज में तो सर उनको क्या, मैं अपने तरफ से कुछ बता देता हूँ, बाकी आप मैनेज करिए, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। इसमें आप वासा का क्वाथ दीजिए, अड़ुनसा का क्वाथ, हाँ। और दूसरा आम पचकवटी दीजिए, और सुबह के टाइम पे उनको मंड दीजिए, शाम को यूज दीजिए, और दिन में खाना खाने के लिए एक चपाती बस दे दीजिए, जितना लंघन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, और रस पाचक, रक्त पाचक, पाचक योग देना जरूरी होता है तो अच्छा फायदा होता है, मेदो पाचक भी दे सकते हैं, और उससे ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, रस पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक, और कांचनार कषाय या कांचनार गोकुल दे सकते हैं, और हार्ट को ताकत देने के लिए नागार्जुना रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, ये सब जब देते हैं तो हृदय को ताकत मिलती है, लेकिन लंघन कराना बहुत जरूरी है, सुबह मंड दीजिए, शाम को यूज दीजिए। जी सर। और अगर नागबला रसायन मिले तो वो तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अच्छा। और स्तन रोहित, स्तन मूल, इन इनको ना ये करिए, मर्म स्टिमुलेशन। जी सर। इतना करिए, और हमारे सर का फॉर्मूला बुक में हृदरोग फॉर्मूला देखिए, श्रृंग भस्म और हृदरोग फॉर्मूला, ये देंगे तो हृदरोग फॉर्मूला में सारे अनुलोमन और दीपन पाचन तत्व है। ठीक है सर। ठीक है, और बाकी किसी को मालूम है हार्ट ब्लॉक में क्या देते हैं? किसी का कोई अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। नहीं तो सर आप प्रभात जी ऐसा करिए फिर बताइए। ठीक है सर, इतना करता हूँ। वासा जो है ना वो कोलैटरल तैयार करता है। हाँ, सर ठीक है, आम पाचक, आरोग्य वर्धिनी बटी, सब पाचक योग दे रहे हैं। जी सर। सर जितने धातु पाचक है एट ए टाइम दूं या फेज वाइज दूं?
नहीं तो उसमें मांस पाचक और अस्थि मज्जा पाचक की जरूरत नहीं है ना? नहीं मतलब ये रस रक्त मेदो पाचक जो देना है एट ए टाइम दे दीजिए। एट ए टाइम जी सर। ठीक है और चेक कराते रहिए फिर बताइएगा। ठीक ठीक है सर। सर और एक केस में दो दिन पहले पूछा था आप नहीं थे एक्चुअली उसी टाइम सेशन तो एक पेशेंट का लीप 10 साल से क्रैक है और ब्लीडिंग हो रहा है। कहाँ पे? लीप में सर लोअर लीप में स्पेशली। लोअर लीप में अगर क्रैक है और ब्लीडिंग हो रहा है ना तो नाभि पूरण करना बहुत जरूरी है। सरसों का तेल का नाभि पूरण कराइए या कोई भी तेल का नाभि पूरण कराइए तो क्रैक्स वहां डायरेक्ट उसका कनेक्शन रहता है तुरंत बंद हो जाएगा। आज रात को कराइए सुबह तक वो क्रैक हील हो जाएगा। ठीक है सर। और सर इंटरनली कुछ? इंटरनली तो बहुत सारा है सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन AKT अमृता गोकुल कैशव त्रिफला गोकुल गंधक रसायन से भी बहुत अच्छा फायदा हो गया। कैलाश जीवन आता है ऑनलाइन या सर्जरस मलहम ये लगा सकते हैं एकदम इमीडिएट फायदा होता है। जी सर। या शद्धोत घृत लेकिन सबसे अच्छा नाभि पूरण करेंगे ना नाभि पूरण खुद भी करके देखे लिप्स एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर बताइएगा और किसी को कोई केस पूछना है बताना है तो बताइए पूछिए। सर इसमें ऑलिव ऑयल से भी नाभि पूरण अच्छा रिजल्ट देता है ना क्योंकि नॉर्मली ये क्या ना विटामिन ई वगैरह अच्छा रहता है और उसमें उष्णता भी ज्यादा मतलब अच्छी रहती है तो वो इफेक्ट अच्छा करेगा। आशा मैम आप इतनी इंटेलिजेंट है ना थोड़ा ये सेशन को आपको कोहोश बना दिया थोड़ा इसको मॉडरेट करिए ना मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। ठीक है पेशेंट आया है जी जी ठीक है मैम आपने हैंड रेज किया बात करिए मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। जी सर प्रणाम प्रणाम सभी को। जी प्रणाम आरती मैम बोलिए। मुझे AMH का पूछना था कि हमें कब कराना चाहिए मतलब ड्यूरिंग साइकिल किस समय कराना चाहिए AMH। हेलो हाँ जी मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो अर्चना ये अंजना मैम है आप पूछ सकते हो। हाँ वही मैं बोल रही थी अंजना मैम से पूछिए। मैम मेंसेस के सेकंड डे पे कर सकते हैं हम हार्मोन प्रोफाइल जो रहता है हमारा उसमें AMH कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कैसे सिग्निफिकेंस रहता है कि जैसे अगर लो AMH है तो मतलब हम कैसे आयुर्वेद में इसको डील करें? लो AMH हो तो मैम उसमें अपना मतलब जैसे पीरियड्स ठीक आ रहे हैं और स्टार्टिंग से ये भैया आज मेरे पास एक इनफर्टिलिटी का केस आया था उसको स्टार्टिंग से ही मतलब जो पीरियड जब वो मतलब मेनार्क से ही उसको 24 डेज का साइकिल है बट उसको AMH वैल्यू बहुत लो है और लास्ट 6 ईयर से इनफर्टिलिटी है मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। मैम इसमें जो आप 24 डेज का जो उनका साइकिल बोलते हैं तो उसमें प्री ओवुलेशन होता है तो उसका फॉलिकुलर फेज है ना तो जल्दी होता है। इसमें AMH लो होने के बावजूद ही उसका फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन जो रहता है वो कम रहता है मैम और LH जो सर्जलुटियल फेज है तो उसका ज्यादा रहता है और 24 में उसका कंप्लीट होता है। तो इसमें हम उसको शतावरी घृत फल घृत ये देते हैं नस्य के लिए और ज्यादातर मात्रा बस्ती में हम इसमें महानारायण तिल वात के कारण भी ये बिगड़ा हुआ रहता है ये भी हम देते हैं लेकिन प्री ओवुलेटरी साइकिल आप बोल रहे हैं जैसे उसको मतलब फाइब्रॉइड्स भी है मैं कल उसका स्कैन शेयर करूंगी इसमें जैसे फाइब्रॉइड्स भी है उसके तो हम मतलब लेखन की ओर सोचें या ब्रिंघन की ओर सोचें? पहले तो मैम आप लेखन और उसका शमन के द्वारा लेखन कीजिए क्योंकि आपका AMH है वो भी देखना चाहिए पेशेंट का बल भी देखना चाहिए और पूरा लेखन दिखेगा तो एंडोमेट्रियम थिकनेस भी कम हो जाएगा तो हम जो शमन लेखन करना है लेकिन शमन द्रव्य से करके ऐसे करना है। मानो कि हम उत्तर बस्ती में एक शाते देंगे तो लेकिन सिर्फ शार नहीं देंगे तो उसमें हम शतावरी कुमारी ऐसे डाल के
कुमारी तेल और अपना जो एप्पल होता है सैंडविच। उत्तर बस्ती तो नहीं, मेरा इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप दूसरी बस्ती में, एक तो आपने महानारायण तेल बताया, एक श्तावरी गीत और किससे कर सकते हैं? और मैम हम विष्णु तेल से योनि पिचु भी कर सकते हैं ना, तो स्रोतरोध हो तो वो कम हो जाएगा। और ओरली जो रहता है फलघृत का मात्रा उनको बढ़ा दीजिए, ओरली जो फलघृत। और अपने अंजन मैम बोलते है ना कि उनका दीपन पाचन में हम जो घृतपान करते पंचतिक्त महातिक्त, तो वैसे उभो निम्बादी काढ़ा, ऐसे योग बना के दाढ़ी मस्तक, उसका दीपन हम सिर्फ मैम पाचक अग्नि का विचार नहीं इधर करना, धात्वाग्नि का भी विचार करें। जब उनका धात्वाग्नि अच्छा हुआ, एएमएच का रोल क्या रहता है? एएमएच मानो तो हम बोलते हैं कि अपना जी मुलेरी डक्ट रहते हैं, एंटी मुलेरी डक्ट हार्मोन की, उसकी वजह से फॉलिकल का साइज ग्रोथ। लेकिन मेरा एक दो पेशेंट मेरे ऐसे हुए कि मैम उनका एएमएच 0.05, मानो कि उसमें मॉडर्न वाले बोलते नील आपका ओहम अच्छा नहीं बड़ा हुआ था, आपको एचसीजी देनी चाहिए, शॉट लगानी चाहिए ऐसे। लेकिन मेरे पेशेंट में ऐसे पेशेंट को मैंने जब फलघृत का उत्तर बस्ती किया था, और पहले तो मैंने शोधन विरेचन ही किया था, उसके बाद मात्रा बस्ती उसको लगातार चालू, और फलघृत का मात्रा अपना शतपुष्पा शतावरी का नस से भी उनका नॉनस्टॉप, और ओंकार जो प्राणायाम ये जो रहता है ना ये चालू किया था। तो मैम उसका 14 डेज में 20/20 इतना फॉलिकल खुद रप्चर हुआ था और कंसीव भी हुआ है उसको मैम। मतलब अभी जो नस से देना शतावरी घृत से या ये शतपुष्पा तेल से, और वस्ती नारायण तेल या फलघृत या ये अपना जो भी मतलब ब्रिंघन ऑयल है उसी का लेखन करना अगर निरुवस्ती योग में मैंने स्टार्टिंग में विरेचन के पहले योग बस्ती दी थी उसको, उसमें मैंने कैसे दिया था, एरन मूल जो रहता है वो सेफ रहता है अपने स्त्री को, तो मैंने एरन मूल और अपना दश मूल डाल के उसका निरुह दिया था। और अनुवासन में उस टाइम पे मैंने उसको अपना सहचर और शतावरी ऐसे डाल के उसको मात्रा बस्ती दी थी मैम, और ये मैंने चार निरुह और चार मात्रा ऐसे करके आठ योग बस्ती बना दी थी उसकी। और उसकी जैसे शतावरी का बता रही हूँ, इसमें शतावरी घृत करूं या शतावरी तेल, क्योंकि ये मेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा। तेल 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 मैम तेल। इसमें गोमूत्र नहीं डालूं मैं? नहीं नहीं मैं नहीं डालती, मैं खुद कभी नहीं डाला, क्योंकि मेरे को गोमूत्र से थोड़ा सा डर लगता है कभी कभार, पेशेंट को गोमूत्र अर्क कितना डाला कितना किसको एलर्जेंस रहता है, तो मैं नहीं गोमूत्र डालती, क्योंकि तो मतलब जैसे एरंडमूल और दशमूल लेकर उससे ये कोई भी इनमें से ऑयल सहचर तेल या शतावरी ये डालकर उसको अनुवासन और निरु ऐसे दे ऐसे व्यत्यास में देती है मैम है, तो मैम से भी और गाइड लेंगे हम, मैं मेरा ओपिनियन बताई मैम है क्या अंजना। हेलो हाँ हेलो गुड इवनिंग मैम। नमस्कार आपका ओपिनियन बताया ना इस केस में, क्योंकि मैंने ऐसे ट्रीट किया था, उसमें कोई गलत हो तो भी बता देना मैम, क्योंकि मैं भी सीख। आप गलत नहीं करते हो, आप अच्छा करते हो, बहुत अच्छा किया आपने। और जैसे मैडम बता रहे हैं ना कि मैडम को थोड़ा फाइब्रॉइड का भी पेशेंट है, फाइब्रॉइड का साइज कितना है मैडम पेशेंट का? अभी वो जो पहले उसका शमन चिकित्सा ही चल रहा था, आपसे ही मैंने सारा लिया था उसका गाइडेंस, तो उसका फाइब्रॉइड का साइज कम हुआ है। अभी वो कल करा के आएगी स्कैन मेरे पास, क्योंकि आज वो बिना स्कैन के आए थे मेरे पास, तो कल अच्छा, मतलब उसको एक्चुअली वस्ती लेने के लिए वो मेन आए हैं, क्योंकि वस्ती से उनको फर्क पड़ा था। पिछली बार सिर्फ योग वस्ती चलाया था, उसमें ये कचनार छाल, एरंडमूल और ये गोक्षुर का यवकुट था, और एक वरुण छाल थी, ये सारा मेरे पास ओरिजिनल था, मतलब ये आसपास ही जो लगा रहा है तो ये सारा कुछ ओरिजिनल था, मतलब मटेरियल पेड़ से इकट्ठा करके जो भी ये रहता है। तो इसमें मैंने ये दिया था हिंगवादी तेल और शतपुष्पा तेल और तीसरा जो आप बताते हो शिग्रू तेल, तो इन तीनों को ही बार बार चेंज कर करके दिया था, तो उसका साइज कम हुआ था। बट अभी उसको दोबारा बस्ती करानी है, अभी उसमें गैप पड़ गया, 2 महीने का गैप पड़ गया, तो अभी दोबारा उसका बस्ती करता है। पीरियड कैसा है उसका मेंस्ट्रुएशन? मैम पीरियड बिल्कुल सही है, 24 डेज का ही पहले था बिफोर मैरिज भी, जब मतलब बचपन से उसको जब से शुरू हुआ तब से 24 डेज का ही साइकिल, और अभी भी 24 डेज का ही साइकिल है। साइकिल ठीक है, एएमएच उसका लेस है, और मतलब
फाइब्रॉइड्स अभी कल पता लगेगा, उसका भी स्कैन रीसेंट नहीं कराया मैंने। कितनी एज है और बीएमआई कितना होगा, वेट और हाइट? बीएमआई बिल्कुल ठीक है, 5'3" उनकी हाइट है और 53 kgs वेट है, और एज उनकी 37 इयर्स हो जाएगी अभी, एज 37 में। तो अभी इनफर्टिलिटी है, कोई बच्चों कोई इश्यू नहीं है? प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, हाँ जी, 6 साल हो गए मैरिज को। हाँ एक्चुअली डिपेंड करता है ना, जैसे कि एज एडवांस होती है ना तो भी ऐसे बात होती है, एएमएच पे इफेक्ट आता है। लेकिन जैसे मैडम कमल मैडम ने बता रहे थे, प्रैक्टिकली हम लोग का है कि अगर हम धातवाग्नि पे लेवल तक काम करें, जैसे हम जाठराग्नि पे, धातवाग्नि पे, भूताग्नि पे काम करें ना, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे आप कह रहे हो, क्योंकि हमें ऋतु क्षेत्र अम्बु बीज चारों चीजें देखना होगा। तो जब हमें अभी यहाँ पे जो क्षेत्र की प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो क्षेत्र की प्रॉब्लम में आपको कहीं ना कहीं वहाँ स्पेस ऑक्यूपाई लीजन है, फाइब्रॉइड है, तो वो जितना रिजॉल्व हो जाएगा उतना ही प्रेगनेंसी के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा उसके ट्यूब्स के बारे में भी हमें सोचना होगा कि ट्यूब्स अच्छे से ओपन है उसकी। मैम ट्यूब्स ओपन है, जो उसने करवाई हुई थी उसमें ट्यूब्स ओपन थी उसके, बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसमें आपके पास चांसेस पूरे हैं, थोड़ा सा बस उसके कहते हैं ना कि इसमें आहार रस पे ध्यान देना होगा, तो जो औषधि हम लोग बनाएंगे या औषधि कल्पना जो हम लोग करेंगे वो इसी तरह से करेंगे कि उससे पेशेंट को जो है थोड़ा सा जो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो यहाँ पर जैसे मैडम ने बताया था, हमें थोड़ा गृहिणी दृष्टि पे फिर से एक बार जाना पड़ेगा, और गृहिणी दृष्टि के लिए यहाँ पे जैसे आपने किया ही होगा, उसको दीपन पाचन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो है स्नेहन भी करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग बताते हैं कि हमें दाढ़ी मष्टक या हिंगवष्टक या आरकवद निशोत और महातिक्त या पंचतिक्त है ना, या फिर पंचगंबे और नस्य भी यहाँ पे आपको देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपने पेशेंट में देखा है उसका इफेक्ट नस्य में बहुत अच्छा मिलता है। तो आप अगर पॉसिबल हो तो आप फिर यहाँ पे नस्य दीजिए। नहीं नहीं मैम वो इधर ही है, मतलब वो ट्रीटमेंट के लिए ही आए थे कि, मतलब हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम उनको थोड़ा फाइब्रॉइड साइज रिड्यूस हुआ था, तो उनको ये थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि गायनी वालों ने तो उनको यही बोला कि कोई मिरेकल हो जाए तो हो जाए, मतलब इम्पॉसिबल है। हाँ अच्छा फायदा करेगा मैडम, क्योंकि हमें स्पेशली जो है एएमएच पे क्या कहना चाहिए कि हमें ओवरी को ही जो है स्ट्रेंथ देना है ना, ओवरी और एचपीओ जैसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को हमें स्ट्रेंथ देना है। तो अभी लास्ट टाइम जैसे आपने मेरे को लेखन बोला था कि उसका थोड़ा लेखन करना है, तो लास्ट टाइम तो मैंने लेखन किया था, तो इस बार जो बस्ती करूं वो जैसे मैम ने बताया, तो ब्रिंघन बस्ती करूं या अभी भी थोड़ा सा लेखन और ब्रिंघन दोनों? हाँ ऐसा करिए कि जैसे पहले जैसे भुनिम्बादी है, भुनिम्बादी क्वाथ के साथ में आप थोड़ा सा एरंड तेल मिला दीजिए, ठीक है? अभी आप इस तरह की बनाइए। दूसरा कॉम्बिनेशन जैसे मैं पसंद करती हूँ बीच बीच में, जैसे धन्वंतरि तेल के साथ थोड़ा शिगरू तेल मिला दीजिए, ठीक है? और थोड़ा सा एरंड तेल मिला दीजिए। जी मैम। तीसरे और इसके बाद अगर आप वैसे बस्ती देना चाहते हैं तो चित्र ग्रंथि कषाय भी बहुत अच्छा काम करती है, और चित्र ग्रंथि कषाय को भी हमें जो है स्नेहन के साथ ही देना है, तो यहाँ हम सहचर तेल मिला सकते हैं। तो चित्र ग्रंथि कषाय, हाँ, तो इसको जो मिलाना होगा ना, तो वरुण शिगरू कषाय इस तरह का जो हमें मिलाना होगा, तो हमें क्या करना होता है कि हम पहले पेशेंट को, जब हमारा ऋतु काल चल रहा है तो ऋतु काल के समय हमें थोड़ा सा जो है वो हमें संतर्पण जन्य चिकित्सा करनी है, जैसे हम भुनिम्बादी क्वाथ दे सकते हैं, साथ में एरंड तेल दे सकते हैं। और जब हमको लगता है कि ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है, तब वहां पे हम चित्र ग्रंथि कषाय दे सकते हैं, सहचर तेल दे सकते हैं, एरंड तेल दे सकते हैं, ठीक है? फिर जब बात बढ़ जाता है या हम ऋतु व्यतीत काल की बात करते हैं, तो फिर उस समय हाँ, अगर हमारे पास स्टडी होती है कि इसका प्रॉपर ओव्यूलेशन हुआ है या हमें लगता है कि इसके प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर हैं, तो फिर हम क्षीर वाला तेल की बस्ती भी दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? मतलब और अगर स्टार्टिंग हम लेखन से करें और धीरे धीरे लेखन कम करते करते ब्रिंघन की ओर चलते जाए। हाँ मतलब जैसे अब मैंने सबसे पहले यही बताया ना कि हम भुनिम्बादी क्वाथ दे रहे हैं, तो वो लेखन नहीं कर रहा है, भुनिम्बादी क्वाथ का मेन काम हो रहा है वो धातवाग्नि लेवल तक काम करता है। हाँ काल मेघ जो है वो धातवाग्नि को जो है वो कर रहा है,
और स्नेहन हम इसलिए दे रहे हैं कि वो ऐसे हमने जो भी स्नेहन देते हैं तो वहां पे क्या होता है, अग्नि को वो और प्रदीप्त करेगा, है ना। अगर हमने किसी भी तरह का स्नेह दिया है तो अग्नि को और प्रदीप्त करेगा, टिशु को और अच्छे से स्ट्रेंथ देगा। तो क्या होगा कि जैसे आपने कहा कि हमारा AMH कम था तो हमने स्टिमुलेट किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी ओवरी जो है वो और अच्छे से एक रीजनरेशन करेगी और हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे काम करेगी और फॉलिकल हमारा अच्छे से बनेगा। और जब फॉलिकल अच्छे से बन के तैयार हो रहा है तो हमें चित्र ग्रंथि कषाय ऐड ऑन कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो अच्छे से रप्चर भी करेगा और क्या कहते हैं धात्व अग्नि को भी मैनेज करेगा। फिर हम ये सोचेंगे कि अभी ये ओरल देना है ये इसको पीने के लिए चित्र ग्रंथि कषाय। बस्ती आप ओरल भी देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप बस्ती में भी दे सकते हैं। ओरल में आप मेन काम करिए, नृपति बल्लभ यहाँ ऐड ऑन कर दीजिए, लघु बसंत मालती ऐड ऑन कर दीजिए, है ना। जी मैम, आपने लास्ट टाइम वो ऐड कराया था क्रव्याद रस, तो हाँ, मैंने एक हाँ, क्रव्याद रस ऐड किया था और एक अपनी तरफ से मैंने त्रिलोक्य चिंतामणि रस ऐड किया था, उससे उसको काफी बेनिफिट हुआ। जी तो अब रिपोर्ट कल आ जाए तो और अच्छा रहेगा, है ना। ये तो मैंने एक जनरल बता दिया, स्पेसिफिक रिपोर्ट के बाद डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, टू द पॉइंट रहेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू कमल, थैंक यू अन्ना मैम, बहुत बढ़िया बताया आपने। गीता मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ मैम, अन्ना मैम कहले कल वो पेशेंट का बोला था ना, उसके रिपोर्ट मैंने ग्रुप में भेजे है, उसको ल्यूपस बड़ा है ऐसा कुछ है और उसका मेडिसिन एमलोडिपिन चालू है, एक एंटीकोगुलेंट चालू है, वो सब पहले से चालू ही है और एक प्रोजेस्टेरोन चालू किया गाइनेक ने और फोलिक एसिड चालू किया है और वो लोग सोच रहे हैं कि हिपेरिन इंजेक्टेबल दे या इकोस्टिन के थ्रू दे, वो ये बोली मैंने। तो फिर केस क्या था एक बार फिर से बोलिए, केस के बारे में थोड़ा बताइए। आर्टियोस्क्लेरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज था उसको, हाँ, और प्रेगनेंसी का 1.5 महीना हुआ अभी। हाँ, हाँ, तो रिपोर्ट में ऐसा आया, मैंने ग्रुप में तो भेजा पर थोड़ा ग्लूकोस बढ़ा हुआ है। कितना है, कितना है उसकी, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं, आप बताइए कितना बढ़ा हुआ है, थोड़ा मतलब कितना? 48 जैसा है, मैंने भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं, मैं देखती हूँ। जी जी जी, किसी ने देखा हो तो कोई डिस्कस कर सकता है, बता सकता है। मैम हाँ मैम, अभी यूटेरिन फाइब्रॉइड और ये बोला ना, तो स्पेसिफिक उसमें आहार रस कैसा देना चाहिए, आहार जो देना है पेशेंट को वो स्पेसिफिक कौन सा देना चाहिए, उसका लेखन भी नहीं होना चाहिए लेकिन यूटेरिन फाइब्रॉइड और उसका धात्वाग्नि अच्छी तरीके से खाने में जो रहता है ना, पेशेंट हर बार हमको पूछता है कि परहेज क्या रखे मैम इसमें स्पेसिफिक, हम लघु आहार बोलते है लेकिन स्पेसिफिक खाने में बहुत ज्यादा गुरुता नहीं होना चाहिए ना, उतना बहुत ज्यादा गुरुता होना चाहिए। जैसे आप हम गर्भवती में बताते हैं कि लाजामंड दे सकते हो, है ना, उसको हाँ। भी बोल सकते हैं लाजामंड ले सकते हो, यहाँ भी हम बोल सकते हैं साथ में, हम जैसे लाजामंड दे रहे हैं तो साथ में हम कह सकते हैं कि पटोल का क्वाथ पी सकते हो, है ना, तो क्योंकि हाँ। श्रोत शोधन भी बीच बीच में श्रोत शोधन भी कराना है ना, और पटोल महातिक्त रस प्रधान है तो कहीं ना कहीं से वो इतना ज्यादा एक तरह से शुद्धि तो करेगा ही, है ना। और साथ में हम उसको जैसे बता देते हैं मुनक्का दूध ले सकते हो, है ना, आंवला मुनक्के की चटनी ले सकते हो, तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पेशेंट आते हैं, जैसे जैसे सीजन चलता है, जो जो अवेलेबिलिटी होती है उसी के हिसाब से डाइट को हम लोग ना गुरु ना लघु बीच का मार्ग निकाल के उसको समझा सकते हैं। ओके ठीक है मैम, वही पेशेंट को परहेज रखना पड़ता है उसमें। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कभी कभी ये भी कह देते हैं कि उसको जौ का पानी बार्ले वाटर बनाओ, उसको बार्ले वाटर को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेते रहो, हाँ, है ना, तो ये सब चीजें जो है एड ऑन करते रहते हैं तो इफेक्ट मिलता है। ओके मैम, हेलो, हाँ बोलिए, ये डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए सर। सर मैम, जी सर, प्रणाम मैम, एक्चुअली एक बार यहाँ पर एक अपने फॉरम पर एक हार्ट ब्लॉकेज के लिए कोई कॉम्बिनेशन बताया था मैम, मैं थोड़ा सा पूरा नोट नहीं कर पाया था, सर आज पूछ रहे थे ना हार्ट ब्लॉकेज के लिए कोई एक कॉम्बिनेशन, कितना आपने क्या क्या नोट किया था, आपने क्या क्या नोट किया था? मैं
अदरक 100 ml, लहसुन 100 ml और मिक्स विद 200 ml हनी। शुगर पेशेंट है तो डिजोल्व 100 ml इसमें, ऐसे सर्दियों में इसको बार बार रिपीट करना। इतना नोट कर पाया था मैम, 31 अक्टूबर का था ये मैम लेक्चर। अच्छा तो मैम ये पूरा नहीं कर पाया था मैम। सर मैंने इसमें शायद एप्पल साइडर विनेगर वगैरह भी एप्पल साइडर विनेगर भी था। एप्पल साइडर विनेगर 100 ml हमें बताती है, एप्पल साइडर विनेगर 100 ml, लहसुन का रस जो है वो 100 ml, अदरक का 100 ml और तीसरा नींबू, नींबू का रस 100 ml और इनको मतलब पकाना है और फिर पका के मैम 200 ml हो जाएगा। हाँ तो उसमें अगर रिड्यूस करना है इसको, हाँ नॉन डायबिटिक है तो 200 ml हनी ऐड कर दीजिए और अगर डायबिटिक है तो 100 ml हनी ऐड कर दीजिए और उसको एक चम्मच पीने का बोलिए सुबह खाली पेट ऐसे। और सर सुना आपने? जी जी मैम, अदरक 100 ml, लहसुन 100 ml, एप्पल सिडिगार विनेगर, एप्पल विनेगर ना, हाँ 100 ml एप्पल विनेगर 100 ml, नींबू का, नींबू का सर 100 ml है ना, हाँ और 200 ml हनी। हाँ अब ये पकने के बाद जब इसको आप ये चारों को पका लेंगे ना तो इनको 200 ml करना है, 400 ml का। फिर 200 ml पकने के बाद, क्योंकि हनी तो हम गर्म नहीं करते ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो उसके बाद उसमें नॉन डायबिटिक है तो 200 ml हनी ऐड करिए, डायबिटिक है तो 100 ml हनी ऐड करिए। जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, हाँ थैंक यू वेरी मच, ओके। थैंक यू अर्शिया मैम। चलिए किसी और को अपना कोई केस डिस्कस करना है कुछ? हाँ मेरा अधूरा है ना मैम। हाँ गीता मैम, वो आप रिपोर्ट बताने वाली थी ना, बताइए। हेलो मैम। हाँ बोलिए गीता मैम आप। हाँ बोलिए बोलिए मैम, हैं हम यही हैं, बोलिए बताइए मैम। का शायद नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इश्यू है ना, कट रहा है आवाज सबका। आपका भी ठीक आ रहा है, बोलिए मैम। हाँ हाँ तो उसका ल्यूपस 45.9 है। 45.9 है, अच्छा मैम। ल्यूपस क्या होता है ये इसमें मतलब? रिपोर्ट एक बार उसको जो है ना स्क्रीन पे शेयर किया जाए, मैंने देखा नहीं है रिपोर्ट, कर देती हूँ मैम। मैम ल्यूपस यानी क्या होता है, मतलब ये क्या बड़ा हो रहा था एग्जैक्टली? एक बार रिपोर्ट देखिए मेरे ग्रुप में, फिर बात करते हैं ना। ओके ओके। हेलो मैडम। हाँ बोलिए सर। हाँ एक पेशेंट है मेरे पास, अभी 4 मंथ की उनकी प्रेगनेंसी है, तो हाँ? उन्होंने फोन पर ही मुझे बताया था कि गर्भ नीचे की तरफ चला जाता है, कमर में और पैर में बहुत दर्द रहता है। फोर मंथ की प्रेगनेंसी है, कमर हाँ? में दर्द रहता है और सर क्या बताया? एक बार फिर गर्भ नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ मतलब लैट्रिन के रास्ते? नीचे नहीं, उनको ऐसा फील होता है कि गर्भ पूरा विजयना की तरफ चला प्रेशर करता है। लो लेइंग होगा मैम शायद। और उनसे उससे पहले कोई प्रेगनेंसी है क्या? पहले कोई बच्चा है, इशू है उसको? नहीं पहले दो बच्चे हुए उनके। अच्छा सब ठीक है? सीजर से ही थे। नॉर्मल थे? नहीं सीजर से थे। अच्छा दोनों बच्चे सीजर से थे। छोटे वाले बच्चे की कितना है, उसका एज कितनी है छोटे वाले बच्चे की, लास्ट डिलीवरी वाले की? 6 साल। 6 साल। 6 साल अच्छा। और इनको जो है इनका हीमोग्लोबिन वगैरह आपने करवाया? नहीं अभी तक आए नहीं, वो फोन करके उन्होंने बताया वो आने वाले हैं, ऐसा कल आएंगे। हाँ सर उनको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, सारे वायरल मार्कर कराने पड़ेंगे, उनका हीमोग्लोबिन आपको टीएससी डीएससी सब एक बार आइडिया होने के लिए, जस्ट आइडिया के लिए कि पेशेंट एनीमिक नहीं है या फिर कुछ और उसको इस तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है,
तो पहले आपको उसके हेतु को एक बार फिर से पूरा अच्छे से, जो हमारे पास एक प्रोफार्मा है हमारे आयुष दर्पण का, उसका उस प्रोफार्मा को पूरा अच्छे से भर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ मैडम, हाँ, क्योंकि अगर इस तरह का है तो समटाइम्स ऐसा केस जो है वो मिड टर्म प्रेगनेंट डिलीवरी में या प्रीमेच्योर डिलीवरी में या फिर अबॉर्शन में भी जा सकता है, तो इसीलिए एग्जामिन करना भी जरूरी होता है। समटाइम्स सर्वाइकल इनकम्पिटेंस के केस में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। पेन नहीं होना चाहिए इस तरह से, जैसे उनको पेन हो रहा है इसका मतलब है कि ये पेन यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएंगे तो फिर वो सर्विक्स जो है वो डायलेट हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले उनकी हिस्ट्री प्रॉपरली ले लीजिए और सिंपल इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी हीमोग्लोबिन होता है और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट पे थोड़ा सा नजर रखिएगा, फिर हम लोगों को बताइएगा तो बताएंगे जरूर। हाँ ठीक है मैडम। जी सर। हाँ जी डॉक्टर सुनील सर। हाँ पूछिए सर, थैंक यू। पूछना चाहते हैं? प्रणाम मैम। हाँ बताइए सर। जी सर। हाँ बोल रहे थे, एक महिला है 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उसका जो है हेमोग्लोबिन 8.5 ग्राम है अभी आया है, और उसका जो है TSH माने बढ़ा हुआ है अभी 100 है, और SGPT SGOT भी 250 है, उसका सीरम बिलिरुबिन 1.2 था। तो सर क्या उसको पहले से नहीं देखा जा रहा था? कोई डॉक्टर की देखरेख में रही होगी ना पेशेंट? तो पहले से कहीं आयुर्वेद, पहले पहले से तो आयुर्वेद ही ले रहा था वो, लेकिन बीच में फिर मॉडर्न में जो है से उसको कोई माने ऑब्सेस हुआ था ना घाव, तो उसका इलाज उलाज के लिए चला गया था तो छूट गया था। तो देखे थे दवाई, उसमें जो है मधुमालनी बसंत और ये तापयादि लौ और पहले से चल रहा था, और गढ़पाल रस ये, और हाँ ये इतना ही था ये, और कोई एक और, हाँ उतना ही था, उतना ही चल रहा था। हाँ अश्वगंध शतावरी चूर्ण और अश्वगंध जी मासानुमासिक नहीं था। हाँ कमल मैम बोलिए थोड़ा। सर मैम इसमें मासानुमासिक भी नहीं है और सूरमालिनी वसंत भी नहीं है पेशेंट का, और थायराइड प्रोफाइल उनका बड़ा हुआ है मैम, तो वो थोड़ा सा कंसल्ट भी होना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, क्योंकि थायराइड पहले से ही है उसको या अभी बड़ा हुआ है? नहीं पहले से ही थायराइड का था, तो वो थायराइड का गोली वोली शायद छोड़ दिया था बीच में, वो एल्ट्रोक्सिन एल्ट्रोक्सिन करके मॉडर्न में कुछ ले रहा था एल्ट्रोक्सिन। कितनी एमजी? 100 एमजी। 100 एमजी। अपना आयुर्वेद का कालरक्षक जो दूध पापेश्वर का, वो भी अच्छा है सर इसमें? हाँ तो अभी तो आ जाया, तो हम कहेंगे पहले चर्चा ये कर लेते हैं डिस्कस फिर जो है आप लोगों से, तो फिर इसमें जो है से आप कुछ ऐड करेंगे अपने सर का जो फॉर्मूला है वचा गिलोय सत्व और पुनर्नवा रसायन काल में आप दे तो बहुत अच्छा काम करता है सर। हाँ हाँ उसमें एक एक चम्मच। हाँ वो सम प्रमाण में लेना, मधु के साथ दे या कोष्ण जल के साथ दे, लेकिन रसायन काल में प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं। तो अभी एक मंथ हो गया है, मास हो गया है, तो उसमें तो स्वर्ण मालनी बसंत भी चलना चाहिए, स्वर्ण बसंत मालती मधु मालनी था उसमें। हेलो हेलो देते हैं सर जी। एक्चुअली सर सबसे सबसे पहले जो है ना, जो आपने लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया है इसको एक बार फिर से, कब का है वो कब का है लीवर फंक्शन टेस्ट? नहीं वो अभी जो है सिर्फ कल ही कराया था, करा करके तो आ जाए अपना पास, तो हम कहे कि एक बार डिस्कस कर लेंगे। हाँ, उसमें उसकी उसकी ग्रहणी दृष्टि बहुत ज्यादा जबरदस्त है, उसको अभी आप स्टार्टिंग में ऐसा करिए कि जो गर्भपाल रस है और जो भी ये बसंत मालती वगैरह है थोड़ा देर अभी इनको पहले अवॉइड करा दीजिए, और सबसे पहले इनको क्या कीजिए कि इनको बॉइल्ड वाटर दीजिए, जैसे हम लोग बताते हैं कि धनिया का उबाल के पानी पिलाइए या सौंफ का उबाल के पानी पिलाइए, पहले इनको बॉइल्ड वाटर दीजिए या संस्कारित जल दीजिए उबाल के पिलाइए,
दूसरी बात है इनको थोड़ा सा जो है वो डाइट रेस्ट्रिक्टेड होगी, बहुत ज्यादा इनको रिफाइंड वगैरह का खाना नहीं खाना है, मैदा वगैरह का खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा इनको सूप सूप वगैरह पे रखना होगा, जैसे गाजर टमाटर का सूप पी सकती हैं, नींबू का रस ले सकती हैं, संतरा वगैरह भी अच्छे से खा सकती हैं, और इसके अलावा इनको मुनक्का आंवला जो हम चटनी वगैरह बताते हैं वो भी पका के, मतलब जो भी चीज देना है उनको बॉईल करके या उसको हल्का सा आंवला चटनी को पक जैसे एक बार बॉईल करने के बाद ही उसको बना के देना है, जब मिश्री उसमें जो है आप धागेदार वाली जो होती है धागे वाली मिश्री जो होती है वो मिलाइएगा। उसके अलावा उसको खाने में जो है ये जो है थोड़ा सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल्स में पटोल वगैरह भी हल्का दे सकते हैं और आलू वगैरह भी ले सकती हैं, और उसकी डाइट को बहुत मैनेज करिए, पेशेंट अगर एक बार जॉइंटिस की तरफ चली जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जहां तक लग रहा है लीवर थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें कंप्रोमाइज कर रहा है पेशेंट के साथ में। दूसरा काम आप करिए कि जो हमारे पास एक्चुअली सर जो आपने SGOT SGPT बढ़ाया है बताया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इंक्रीजिंग है जी, तो वो कभी कभी क्या होता है कि अगर कुछ भी उसका कॉज रहा हो तो वायरल मार्कर वगैरह उसका एक बार देखना पड़ेगा, सारा HbS1, 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 सारे वायरल मार्कर देखना पड़ेगा। वो ठीक मैंने दिखाया था पहले से, उसका जो है ना अथी करवाया था, वो शुगर वुगर का ये नहीं है उसमें, वही थायराइड का है उसका अभी। ठीक है सर, उसके लिए आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, क्योंकि 8 मंथ प्रेगनेंसी है, इस समय जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे मैडम ने बोला काकल रक्षक योग आप चला सकते हैं एक गोली सुबह शाम, लेकिन जो एल्ट्रोक्सिन पेशेंट ले रही है वो कब से ले रही है और उसने कब से बंद किया था अभी, बंद किसके अभी पहले से कहीं ले रहा था लेकिन अभी बंद किया हुआ था, हम बोले कि तो उसको बंद किए तो फिर कुछ लेना चाहिए। हाँ उसको ऐसे बंद नहीं करना था उसको, इसीलिए उसका उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है, उसको एक बार बोलिए कि वो जहाँ जिस डॉक्टर की से ले रही थी उसी उसी डोज में उसको डिसाइड करके लेना पड़ेगा, है ना सर, क्योंकि इस कंडीशन में 8 मंथ की प्रेगनेंसी में ओज के बारे में हम सभी जानते हैं ओज बहुत अस्थिर रहता है और ये बिल्कुल प्रेगनेंसी का सबसे ज्यादा कहना चाहिए चैलेंजिंग टाइम होता है, तो यहाँ पर हमें पेशेंट की किडनी फंक्शन टेस्ट को भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक किडनी है सर, फंक्शन कराया था, ठीक है किडनी फंक्शन टेस्ट। हाँ अच्छी बात है, वो सब ठीक है तो फिर आप पेशेंट को स्टार्ट कराइए, अगर आपको लगता है कि पेशेंट ठीक ठाक है, डाइजेशन उसका ठीक ठाक है, तो ऐसे लिफ 52 सीरप है, लिफ 52 ड्रॉप है, नहीं तो कालमेघ है ना, भूम्यामल की है, एक आती है टेफ्रोलिप टेबलेट, बहुत अच्छा इफेक्ट कर रही है इस समय लीवर पे, है ना, हाँ टेफ्रोलिप टेबलेट, कालमे कैप्सूल, है ना, तो इस तरह का उसको थोड़ा सा लीवर को थोड़ा सा हमें अच्छे से कहना चाहिए, हमें धातवाग्नि पे काम करना है, हमें ग्रहणी दृष्टि पे काम करना है, तो हमें पहले ग्रहणी दृष्टि को ठीक करना पड़ेगा एक बार हल्का सा, उसमें अगर आप पंचतीर्थ घृत भी दे देंगे कालमेघ के साथ में, कालमेघ चूर्ण के साथ में, या पंचतीर्थ घृत को थोड़ा सा हम उसके साथ दे सकते हैं, जैसे कालमेघ का हम हल्का सा क्वाथ बना सकते हैं, उसमें हल्का सा 1 चम्मच पंचतीर्थ घृत के साथ मॉर्निंग आवर में दे सकते हैं, तो और उसके बाद 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद थोड़ा सा पेशेंट को इजी लगने लगेगा और भूख बढ़ जाएगी, जब उसका हल्का सा रेचन हो जाएगा तब सीधे उसको स्वर्ण बसंत मालती सुबह रसायन काल में शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें उसकी नहीं अभी पहले शुरुआत में बन ओटी करिएगा, और जी फिर एक मेडिसिन आती है अभ्रलोह करके, नहीं तो फिर सहस्पुटी अभ्रक, जी सहस्पुटी अभ्रक बहुत अच्छा काम करती है, सहस्पुटी अभ्रक के साथ में आप मुक्ता पिष्टी मिला दीजिएगा थोड़ा सा, और साथ में जी थोड़ा सा जो है यहाँ पे गिलोय सत्व भी मिला सकते हैं, और जैसे मैं कहती हूँ भूम्यामल की चूर्ण मिला के पेशेंट को उसको मिश्री के साथ में पीस के मिला के दीजिए, और उसके और साथ में अगर पेशेंट ले पाती है तो फिर थोड़ा सा जैसे हम लोग फांट बना देते हैं कालमेघ का फांट है, या फिर आंवले की चटनी के साथ उसको आप जो है मिला के चटा सकते हैं, तो डाइट भी बहुत ध्यान से दीजिए उसको, और डाइट के साथ साथ उसको जो है क्वेश्चन डाइट है, बोला था कि उसका जो है ना माने मन के लिए जो है से कोई ना कोई जब तक मतलब चूर्ण नहीं लेते हैं तब तक जो है से वो बता रहा था कि एक ठो कोई अथी चूर्ण ले रहे हैं कवच के लिए, नहीं तो 2 दिन 3 दिन पर जो है से मल त्याग होता है, वही वो बोला उस पे काम करना पड़ेगा, लैट्रिन अगर साफ नहीं होती है तो आरागवत चूर्ण दीजिए। ग्रहणी दृष्टि के कारण ही मलाष्टम है,
हाँ ग्रहणी दृष्टि है, कामला की ओर जा रहा है। हाँ पेशेंट कामला की ओर जा रहा है, तो माइल्ड माइल्ड रेचन, माइल्ड विरेचन दीजिए जी। हल्का अमलतास काम करेगा यहाँ पर, आरगवत दीजिए हल्का। हाँ हल्का में, हाँ एक चम्मच आरगवत जो है आप पंचतीर्थ घृत के साथ मिला दीजिए, और साथ में उसको गुनगुना पानी दे सकते हैं उसके साथ दीजिए, उसको फायदा मिलेगा रात में। मुनक्का मुनक्का बढ़ा दीजिए, मैंने कहा ना 50 मुनक्का 25 मुनक्का, उसको रात भिगो के रख दे, और दो दो मुनक्का काला नमक के साथ हर आधे घंटे में तीन खाएगा खा लेगी, तो वो अगर दिन भर में 20 मुनक्का खा लेगी पेशेंट, तो उसको फायदा मिलेगा दोनों चीजों में। मैम रसक्षय भी होगा पेशेंट का? हाँ जी हाँ रसक्षय है मैडम, हाँ रसक्षय है, और वो थोड़ा सा उसमें पूरा पूरा ग्रहणी दृष्टि हुआ है ना, ग्रहणी दृष्टि से रस धातु नहीं बन पा रहा है प्रॉपरली। थायराइड है ना मैम, मैम उसमें थोड़ा सा पीआईएच की तरफ देखना चाहिए पेशेंट को, थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। अरे आज फार्मूला भी चलाते हूं उसका सर वाला दे सकते हैं सर, चला सुबह एक बार दे सकते हैं, बस एक ही बार दीजिएगा सुबह एक बार जी जी। तो फिर टाइम हो रहा है? हाँ आशा मैम टाइम हो रहा है जी जी मैम, ठीक है मैम, चलिए आज का डिस्कशन बंद करते हैं, बहुत बढ़िया मैम। मेरा पेशेंट को कल मैं ऑनलाइन लूं? मैं हाँ आप पेशेंट को लाइन दीजिएगा, मैं सेशन एंड करता हूँ, कल ले आइएगा जी। यहाँ पे नहीं हो पाया, मैं सुन रहा था सबका बात, तो हम कल गीता मैम आप ला दीजिएगा अपने पेशेंट को, ठीक है? संडे संडे शाम को, शाम को शाम को संडे को ला दीजिएगा, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, थैंक यू सर। कल 7 बजे का लेक्चर होगा? कल होगा, और अगर सर से मेरी बात हुई तो 3 बजे भी होगा, लेकिन सर अगर हाँ बोलेंगे तो ठीक है, 7 बजे और शाम का तो जल्दी होगा कल। तो मैं सेशन एंड करता हूँ, थैंक यू, प्रणाम सब लोगों को, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट मैम।